मेरे पास में है दुनिया का सबसे सस्ता फोन जो कि टिकाऊ भी है और कंपनी का भी है। कौन सी कंपनी वो मैं सामने बताने वाला हूँ। और ये बजट फोन है, मैंने ये परचेस किया था 4,900 रुपीज़ का। जो कि किस तरीके से परचेस किया था, मैंने ये एक्सचेंज किया था मेरा ओल्ड फ़ोन, तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा ये वीडियो के अंदर ही। तो कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि ये मैंने इतना सस्ता कैसे का खरीदा, जो कि मेरे पास में है ये रियलमी का C12। आप देख सकते हैं 6000 mAh बैटरी और इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल है। और ये मैंने परचेस किया है 4,900 रुपीज़ का। इसके अंदर मेरा जो ओल्ड फ़ोन था वो एक्सचेंज हुआ है 3,200 रुपीज़ का। तो इसकी रियल प्राइस आप कैलकुलेशन कर लेना ऐड करके, ठीक है। तो ये जो फ़ोन है ये मैंने बहुत सर्च किया था कि कौन सा 8,000 के अंदर जो फ़ोन आ सकता है, तो ये ही मुझे मिला फिलहाल के टाइम पे। क्योंकि हर साल में अलग अलग फ़ोन लॉन्च होते हैं, तो ये 2020 से 2021 तक का ये ही एक बजट फ़ोन मिला मुझे, तो ये मैंने परचेस किया है। इसके अंदर 3 GB रैम है, 32 GB रोम है जो इंटरनल, और इसके अंदर देखिए 6,000 mAh की बैटरी भी आपको दिख जाएंगी। इसके साथ में आपको 30 MP का ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा और 6.5 की जो स्क्रीन है मतलब 6.5 इंच की, और फिंगरप्रिंट का सेंसर भी जो है, फिंगरप्रिंट जो हम अनलॉक वगैरह करते हैं तो वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर। और भी बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर फीचर्स है, और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे आपको दिख जाएंगी 10,000 ट्रिपल मतलब 11,000 के करीब है ये पूरा। मैंने बहुत सर्च किया, 8 से 9 हज़ार के बीच में जो फ़ोन देखे थे मैंने, तो उसके अंदर मुझे ये ही बेस्ट लगा। जो हमारा रियलमी की नार्जो सीरीज़ आती है, तो नार्जो सीरीज़ का जो स्टार्टिंग का हाई पॉइंट ये वही है। इसके पहले भी एक C11 है, लेकिन C11 उससे थोड़ा मिनिमम 300-400 रुपये सस्ता है, और ये जो है उससे थोड़ा अच्छा भी है, तो मुकाबले मुझे ये अच्छा लगा। बेस्ट बजट इन फ़ोन है, तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करके बताता देता हूँ आपको कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। उसके अंदर आपको मैं अमाउंट भी शो कर दूंगा कि मैंने कितने का परचेस किया है, और मेरा ओल्ड फ़ोन जो है वो कितने का उसके अंदर एक्सचेंज हुआ है। तो इस फ़ोन को हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और अब इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फटाफट इसको हम कट कर देते हैं। तो ये स्लिप के अंदर आपको अमाउंट दिख जाएगा कि जो Realme का C12 है वो ओरिजिनल प्राइस क्या है, और मेरा ओल्ड फ़ोन जो है वो एक्सचेंज कितने में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 7,999 जो है प्राइस दिख रही है, और मेरा ओल्ड फ़ोन जो है वो 3,200 रुपीज़ का एक्सचेंज हुआ है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में, और फटाफट इसको हम कट कर लेंगे और मोबाइल को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस है वो 10,999 रुपीज़ है, मतलब 11,000 का जो फ़ोन है ये, और उसके अंदर डिस्काउंट हमको मिला है। तो मैंने वो एक्सचेंज का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है, तो आप वो देख लेना तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा पिन और यूज़र मैनुअल। तो ये यूज़र मैनुअल हमारे कुछ काम के है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या क्या दिया है और बाकी तो कुछ भी नहीं है, दोनों भी यूज़र मैनुअल है ये, और ये सामने से पिन है। इसको कर लेंगे हम अब डायरेक्ट उल्टा।
तो ये है हमारा फ़ोन, इसको रख देंगे साइड में। सबसे पहले देख लेंगे हम हमारा चार्जर। तो ये चार्जर की साइज़ जो है बहुत बड़ी है, लेकिन ये फास्ट चार्जर नहीं है, और USB भी इसकी छोटी सी है, शायद से 1 या 1.5 मीटर की होंगी। एक बार बॉक्स को भी चेक कर लेते हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली हो चुका है, ना हेडफोन मिलते हैं और ना कुछ दूसरी एक्सेसरीज, तो चार्जर, USB और फ़ोन। इसकी बैक साइड बहुत पसंद है मुझे, इसके अंदर आपको ड्यूअल टोन शेड दिखने को मिलेगा, और ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा रफ़ टेक्सचर है, ज़्यादा भी रफ़ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा हाथ घुमाओगे उसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर है हमारा ये ट्रिपल कैमरा, और फ्लैश भी है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, तो इसको हम कर लेंगे फटाफट स्टार्ट। तो कुछ फ़ोटो निकाल के देखेंगे अभी कैसे फ़ोटो निकलते हैं। तो कैमरा भाई 13 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं तभी भी ये जो पिक्सल है फट नहीं रहे हैं, क्लियर इमेज है एकदम। हम फ्लैश के साथ में भी इसको निकाल के देखेंगे। तो इसके अंदर मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है आपको, फिर भी मैं दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन में जाके, तो वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो कि जो फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ठीक है। और इसके बाद में हम दूसरा कुछ ऑप्शन देख लेंगे बैटरी का, कि बैटरी का लेवल कितना है। तो लगभग 46% तक के चार्ज करके मिला हुआ है ये फ़ोन, और इसके बाद में हम चार्जिंग को भी लगा के रखेंगे 100% तक के, ठीक है। बाकी भाई कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे बैक साइड जो है बहुत पसंद है, ड्यूअल टोन में इसका शेड बहुत बढ़िया है, जो इसका रफनेस है बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा हाथ लगाने से बहुत अच्छा फील होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है मोबाइल को हाथ में लेने से। तो यहाँ से नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे आपको ईयरफोन के लिए 3.5 mm जैक, और उसके बाजू में आपको दिखेगा USB पोर्ट का, जो हमारा चार्जिंग का पोर्ट है, तो ये हमारा पुराना वाला ही है, सी टाइप पोर्ट नहीं दिया है। ब्राइटनेस लेवल भी इसका अच्छा है, और जो हमारा टॉर्च है वो भी चेक कर लेंगे, तो टॉर्च का लाइट भी अच्छा है, अभी तो मैंने लाइट वगैरह भी चालू रखा हुआ है, तो उसके मुकाबले इसका लाइट भी अच्छा है। और इसके अंदर डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिलेगा, जो डार्क मोड ऑन कर देंगे तो ये पूरे थीम जो है वो डार्क हो जाएंगी, तो ये डार्क वाला मोड भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है इसके अंदर। वाइट वाला थोड़ा ऑड लगता है, वाइट वाले तो नॉर्मल हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्लैक वाला बहुत बढ़िया लगा है। और फाइनल में इसका बैक साइड का तो मैं फ़ैन हो चुका हूँ, इसका बैक साइड का बहुत जबर लगा मुझे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों ये मोबाइल के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको 8000 के प्राइस रेंज में दूसरा कोई मोबाइल मिलता है या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके साथ में उसका कंपैरिजन भी कर लूँगा, और इससे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसको मैं परचेस करके उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।